सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अपनी अपनी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, अभी जिस प्रकार से ये महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो सब अपने अपने घर में ही रहें और सुरक्षित स्वस्थ रहें। तो मैं केरला पब्लिक स्कूल से श्रुति मैम आज आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। हिंदी विषय का चौथा अध्याय बढ़िया आम ये पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और आज बढ़िया आम कहानी के बारे में कहानी को सुनेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर को मैं PDF बना के आप लोगों को आपके ग्रुप व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। तो चलें अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें। अब बढ़िया आम के बारे में, बढ़िया का मतलब क्या होता है ये मैं समझा दूँ। बहुत अच्छा, बढ़िया में बढ़िया का अर्थ होता है बहुत अच्छा, और आम तो आप लोग जानते ही हैं आम फल का नाम है, बढ़िया आम। इसके बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो ये कहानी अकबर और बिरबल की है। ठीक है, तो इसके बारे में दी हुई है कहानी, स्टार्ट करें हम लोग, शुरू करें। गर्मियों के दिन थे, बादशाह अकबर बगीचे में टहल रहे थे। पेड़ों पर बड़े बड़े आम लटक रहे थे। अकबर को आम बहुत पसंद थे। बादशाह बोले, बिरबल चलो आम खाए। गर्मी के ही मौसम में पता है कि आम फलते हैं, तो गर्मियों के मौसम थे। बादशाह अकबर बिरबल के साथ बगीचे में टहल रहे थे। पेड़ों पर बड़े बड़े आम लटक रहे थे। अकबर को आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। अकबर को क्या पसंद थे? आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। बादशाह बोले, बिरबल चलो आम खाए। बादशाह अकबर का अर्थ होता है राजा। ठीक है, तो राजा अकबर यानी बादशाह अकबर ये बिरबल को बोले चलो आम खाएं। बिरबल ने नौकरों को आम लाने के लिए कहा। बिरबल ने अपने नौकरों को आम लाने के लिए कहा। नौकरों ने आम तोड़े, धो पोछ कर उन्हें थाल में सजाया और ले आए। नौकर जो थे वो आम को धो के पोछ के फिर उसे थाल में सजा के ले आए। आसन बिछाए गए। आसन का अर्थ होता है जिसपे हम लोग बैठते हैं। बैठने से पहले एक कपड़े का बना हुआ या फिर किसी दरी के जैसा, दरी जिसको बोलते हैं वो, उसको हम लोग आसन भी कहते हैं, वो बिछाए गए। अकबर और बिरबल आम खाने बैठे। अकबर और बिरबल दोनों आम खाने बैठे। अकबर को मजाक सूझा। अकबर को क्या सूझा? मजाक। ठीक है, वे आम चूसते तथा छिलके और गुठली चुपचाप बिरबल के सामने रखी थाली में डाल देते। उनको तो मजाक सूझा हुआ था, वो क्या करते, आम चूसते और उस गुठली और छिलके को बिरबल की थाली में डाल देते। तो थोड़ी देर बाद अकबर बोले, देखो बिरबल तुम कितने आम खा गए। तो उनको बादशाह को तो मजाक सूझा हुआ था, तो वो ऐसा इसी वजह से कर रहे थे, आम खा लेते थे और गुठली और छिलके बिरबल की थाली में डाल देते थे। फिर कुछ देर बाद बादशाह अकबर बोले, देखो बिरबल तुमने कितने आम खा गए। बिरबल मुस्कुराए, वे बोले, महाराज आम थे ही इतने बढ़िया, आम इतने बढ़िया थे, मैंने तो आम ही खाए हैं, आपकी थाली खाली पड़ी है, आप तो छिलके और गुठलियाँ भी खा गए। यह सुनते ही सब हंसने लगे। तो बिरबल जो है तुरंत जवाब, किसी भी प्रश्न का उत्तर या किसी भी चीज़ का जो उत्तर होता है वो तुरंत दे दिया करते थे। हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं, तुरंत जवाब दे देना, वो यही गुण बिरबल में था। तो बिरबल तुरंत ही राजा को जवाब दिए कि मैंने तो आम ही खाए हैं और आपने तो आम के साथ गुठलियाँ और छिलके भी खा लिए, तो आपकी थाली खाली पड़ी हुई है। यही उनकी, बिरबल की हाजिर जवाबी की वजह से, तुरंत जवाब देने की वजह से सबको बिरबल की बातों पे और राजा की बातों पे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। तो ये मजाक में तो सब एक दूसरे के साथ कुछ भी करते हैं। तो इसी तरह बिरबल, अकबर और बिरबल की ये कहानी थी, बढ़िया आम इतने ज़्यादा अच्छे थे कि बिरबल भी आम खा लिए और राजा जो थे उनको मजाक सूझा, तो वो बिरबल की थाली में गुठली और छिलके डाल दिए।
चलिए तो ये कहानी पूर्ण हुआ, अब आगे हम लोग पढ़ें। कुछ शब्दार्थ, टहलना इसका अर्थ होता है घूमना, और गुठली इसका अर्थ होता है फल का बीज, आसन इसका अर्थ होता है बैठने के लिए बिछाई गई चटाई। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न को भी हम लोग जान लें, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, नौकरों ने आम किस में सजाए, तो कहानी में तो पढ़ चुके हैं थाल में सजाए थे। वन नंबर का इसका उत्तर होगा, अकबर को क्या सूझा, अकबर को मजाक सूझा, ठीक है। बैठने के लिए क्या बिछाया गया, बैठने के लिए आसन बिछाए गए। अकबर ने आम चूस कर गुठलियों का क्या किया, अकबर ने आम चूस कर गुठलियों और छिलके को बिरबल की थाली में डाल दिए, रख दिए। ये हुआ इसका उत्तर। अब हम लोग ख नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, अकबर कहाँ टहल रहे थे, इसका उत्तर तो पता ही है, अकबर बगीचे में टहल रहे थे। अकबर को क्या पसंद था, अकबर को आम खाना पसंद था। अकबर ने बिरबल से क्या कहा, इसका भी उत्तर मैं आप लोगों को बता दूँ, फिर PDF के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो PDF भेज दिया जाएगा। अकबर ने बिरबल से क्या कहा, अकबर ने बिरबल से कहा, देखो बिरबल तुम कितने आम खा गए, ठीक है। बिरबल ने अकबर को क्या उत्तर दिया, बिरबल ने अकबर को उत्तर दिया, महाराज मैंने तो आम ही खाए हैं, आप तो आम के साथ गुठली और छिलके भी खा गए, ठीक है। अब रिक्त स्थान के बारे में जान लें, गर्मियों के क्या थे, दिन थे, रिक्त स्थान में दिन लिखेंगे। अकबर को आम बहुत पसंद थे तो रिक्त स्थान में आम लिखेंगे। आम किसने तोड़े थे, पता है नौकरों ने तोड़े थे, तो रिक्त स्थान में नौकर लिखेंगे। अकबर को क्या सूझा था, कहानी में जैसे पढ़ चुके हैं अकबर को मजाक सूझा था, तो रिक्त स्थान में हम लोग मजाक लिखेंगे। मैंने तो आम ही खाए हैं, मैंने तो क्या खाए हैं, आम ही खाए हैं, तो रिक्त स्थान में खाए हैं लिखेंगे। अब घ नंबर में प्रश्न है, मुझे पहचानिए, तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और रिक्त स्थान को भरना है। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, चित्र दिया हुआ है सामने में, देखिए दिया हुआ है ना आम, तो इस रिक्त स्थान में आम लिखेंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है, यहाँ मोर लिखेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है, यहाँ कमल लिखेंगे। हमारा राष्ट्रीय झंडा क्या है, तो तिरंगा झंडा है, क्या है, तिरंगा झंडा, तो यहाँ पे तिरंगा झंडा लिखना है, ठीक है। अब चले अंक नंबर में, इसमें विभिन्न ऋतुएं हैं, अलग अलग ऋतु हैं, गर्मी सर्दी और बाद बरसात के ऋतु होते हैं, मौसम होते हैं, तो इसमें से जो सही चित्र देकर सही उत्तर पर निशान लगाइए। इसमें जो चित्र दिए हुए हैं, जो सही चित्र रहेगा उसमें निशान लगाना है। इसमें देखिए पंखा दिया हुआ है और ठंडा का क्या सेवन अप है कुछ, ठीक है। तो इसमें हम लोग पंखा का यूज़ कब करते हैं, सर्दी या फिर गर्मी में, पंखा और ठंडे के डब्बे का किस समय हम लोग यूज़ करते हैं, सर्दी या गर्मी में, तो हम लोग सर्दी में तो नहीं करते हैं, ठंड लगने वाली चीज़ों का प्रयोग हम लोग उस समय गर्मी में इसका प्रयोग करते हैं। तो गर्मी में टिक लगाना है आपको, निशान लगाना है। और छाता और रेनकोट का हम लोग बरसाती का प्रयोग कब करते हैं, बरसात के समय में, तो बरसात में टिक लगाना है। और स्वेटर और चादर है उसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, तो सर्दी में करते हैं, तो सर्दी में सही का निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है। अब इसमें दिया हुआ है चौ नंबर में, ढूंढी नीचे वर्ग पहेली में कुछ फलों के नाम छिपे हुए हैं, इन्हें ढूंढ कर लिखिए। इस वर्ग पहेली में कुछ फलों के नाम दिए हुए हैं, उसको चुन के आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है, ठीक है। तो जो आप लोगों को मैं आज पढ़ रही हूँ, इससे ध्यान से आप लोग खुद एक बार इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में शुद्ध शुद्ध सुंदर अक्षर में अच्छे से लिख लीजिएगा। और जो आपको PDF मिलेगा उसके अनुसार ही बनाइएगा और सही सही बनाइएगा, ठीक है। तो आज का आपका क्लास वर्ग पढ़ाई समाप्त हुई, धन्यवाद।